गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। हो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सैड वाली एंड इम्पॉर्टेंट वाली न्यूज़ देने वाली हूँ। सारे के सारे ममता मम फैंस को, सारे के सारे शुक मोहम्मद जमा फैंस को, सारे के सारे राहिल यांश, सारे के सारे ऑल फैंस को। सो या इस वीडियो के इन तक भी नहीं रहेगा। सो गाइस, राहुल सुधीर एंड हलीशा को अभी जो है इस वीडियो पर राहुल से एंड हलीशा की बातें होंगी, बट अभी नहीं। सो अभी हम लोग मेन चीज़ पर आते हैं। सो गाइस, ममता माम, जी हाँ, जब ममता माम ने शो को ऑफेयर कर दिया, मैं किस शो की बात करें आप लोग समझ रहे होंगे, रियांश का शो, जी हाँ, इश्क में मैं जवां सीज़न 2 उन्होंने OTT से अचानक ऑफेयर कर दिया, बिना कोई रीज़न बताए फैंस को, बिना कोई रीज़न बताए उन्होंने ऑफेयर कर दिया इश्क में मैं जवां सीज़न 2 को। एंड सेकेंडली, ममता माम एंड कलश टीवी के बीच में थोड़ा सा जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंड ये न्यूज़ आई थी। अब ये न्यूज़ कन्फर्म है, या तो ये अगर न्यूज़ कन्फर्म है तो हमारी मतलब ममता माम और कलर्स टीवी के बीच में थोड़ा सा कुछ चीज़ को लेकर डिस्कस हुआ एंड लड़ाई हुई है। वो चीज़ ये है कि आपने शो को क्यों ऑफेयर किया, एंड सेकेंडली वो शो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर था, तो आपने उस शो को ऑफेयर क्यों किया, एंड उनके बीच में बहुत सी इधर उधर की लड़ाई है, वो मतलब जो आप लोग बोल सकते हो लड़ाई होती है तो कोई चीज़ को लेकर। वैसे ही उन दोनों के मतलब ममता माम एंड वुड सेलेक्ट वालों एंड कलर्स टीवी के बीच में लड़ाई हुई है, एंड उसके बाद ममता माम ने सोचा है कि वो कलर्स टीवी पर अपना कोई भी शो अब से वो लॉन्च नहीं करेगी। मतलब अब फिलहाल के लिए तो कह सकते हो इश्क में मैं जवां सीज़न 2 को भी लॉन्च नहीं, मतलब सॉरी सीज़न 3 को भी लॉन्च नहीं करेगी अगर वो लाएगी। तो हम लोग को जो है क्या करना है, अगर ये न्यूज़ कन्फर्म निकली तो हमारी ममता माम नहीं लाएंगी, और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ कन्फर्म ही है, बट झूठी झूठी अपडेट्स भी आती है, फेक भी आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है एंड कन्फर्म भी हो सकती है, बट ये न्यूज़ आई थी तो शेयर किया। सो गाइस, अब ममता माम क्या करेगी, जी हाँ, सो अगर ममता माम एंड जो कलश टीवी एंड वुड वाले हैं, तो उन तीनों के बीच अगर लड़ाई हुई है, सो हमारी ममता माम आई एम श्योर कि मेरे अकॉर्डिंगली ममता माम अपने न्यू शो को सोनी टीवी पर लॉन्च करेंगी। सोनी चैनल जो है उसी पे ही वो जो है लॉन्च करने वाली है, मतलब लॉन्च करने वाली, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया था, बट मेरे अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ कि वो अपने चैनल को सोनी चैनल पे शायद अपने जो उनका शो है, सो अब तो वो इश्क में मजनू सीज़न 3 नेम से तो वो नहीं लॉन्च कर सकती है ना कोई भी चैनल पर, मतलब कलर्स टीवी छोड़ के कलर्स टीवी पर कर सकती है, बट उसके बाद तो इधर उधर के चैनल पर वो नहीं कर सकती है, जी हाँ। सो आप लोगों को बता दें, इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 अगर वो लॉन्च करेंगी तो उनको कलर्स टीवी पे ही करना पड़ेगा इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 के नेम से। अगर वो किसी और चैनल पे लॉन्च करती है तो उनको नेम कुछ अलग रखना पड़ेगा, स्टोरी कुछ अलग रखनी पड़ेगी, एंड जो एक्टर एक्ट्रेस है वो उनके नेम भी कुछ अलग ही रखने पड़ेंगे। सो क्योंकि एक ही नेम को यूज़ किया जाता है, सो वो एक ही नेम यूज़ कर सकती हैं एज ए जोड़ी, यांश भी रख सकती हैं, और वो जो रिद्मा वंश के नेम है मतलब कैरेक्टर के नेम, वो चेंज नहीं कर सकते एंड चेंज कर भी सकती है। एंड सेकेंडली आप लोगों को बता दें, और आप लोगों को बता दें, जो हमारी ममता माम है वो अगर उनका और वुड सेलेक्ट वालों का एंड कलर्स टीवी वालों का अगर झगड़ा हुआ है, मतलब कोई चीज़ को लेकर डिस्कस हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो मेरे अकॉर्डिंगली वो कोई और चैनल पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोनी चैनल पे ही, वो मेरे अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ। सो वो अपना इश्कमा मजावा को, मतलब इश्कमा मजावा नेम नहीं, कोई और उनको नेम सोचना पड़ेगा। सो रियांश की कुछ रियांश नेम से, या फिर कुछ कोई भी उनको नेम ढूंढना पड़ेगा के लिए। सो यही था बस अपडेट। सो राहिल की म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड अपडेट दूंगी, एंड राहुल से एंड हलीशा की बात आती है, वो लोग दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो ममता माम एक ही स्टोरी नहीं रख सकती हैं, एक 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 ही कैरेक्टर के नेम एक हो सकते हैं कोई ना कोई शो पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी बहुत सारे सोर्स है जिसमें जो है एक ही नेम यूज़ किया गया है, एक ही नेम जो है यूज़ किया गया है, तो हम लोग क्या उसको कुछ करेंगे, जो इधर उधर मारेंगे, करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ करने का नहीं है। जो कैरेक्टर का नेम है वो कोई भी ले सकता है, एंड शो का नेम कोई कॉपी नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है बट पूरा नेम कॉपी नहीं कर सकता है। सो हम लोग को जो है ध्यान भी, मतलब ममता माम को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड
ममता माम अभी क्या करती है देखा जाएगा। एंड राहुल से एंड हेलिशा एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि न्यू जोड़ी वही रहेगी, बट स्टोरी कास्ट सब कुछ अलग रहेगा, नेम भी शो का नेम भी अलग रहेगा, सब लोग को सबको मज़ा आएगा। सो गाइज कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों अब कोई अपडेट्स के जरिए मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। सो तब तक के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पर जुड़े एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड याद से मेरे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना है। सो कोई न्यू वीडियो पर मिलते हैं सारे के सारे फैंस एंड सारे के सारे अपडेट्स के साथ सब लोग मिलते हैं।